बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों का जो लेक्चर है उसके अंदर आप लोगों को वो वाले क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जो कि नॉर्मली नॉर्मली तकरीबन पेपर्स के अंदर लाजमी इंक्लूड होते हैं। जैसे टाइम के रेलेवेंट आपसे पूछा जाता है, डिस्टेंस के रेलेवेंट पूछा जाता है, ट्रेन के मुतालिक आपके क्वेश्चन आते हैं, प्लेटफॉर्म्स के मुतालिक आपके क्वेश्चन आते हैं कि ये वाली ट्रेन एक प्लेटफॉर्म से गुजरी, वहाँ पे अगर एक बंदा बैठा हुआ है तो वो वहां से अगर इस स्पीड से अगर पास कर रही है तो उस बंदे के सामने से वो ट्रेन कितनी देर में पास कर जाएगी अगर उस ट्रेन की लेंथ इतनी हो। या कभी कुमार हमारे क्वेश्चन इस तरह के भी आ जाते हैं कि एक ट्रेन इतने बजे वहां से इतने एक स्टेशन से चली है और उसकी स्पीड इतनी है, उसके बाद थोड़ी देर बाद आप ये कह रहे हैं कि घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद उसी स्टेशन से एक और ट्रेन भी चली है, उसकी स्पीड इतनी है। तो ये बताएं कि जो पहले जो ट्रेन जो चली थी और बाद चली थी, उस बाद वाली ट्रेन ने पहले वाली ट्रेन को कितनी देर में पास करना है या कितनी देर में जाकर उसको वो क्रॉस कर जाएगी, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। या ये भी कह लेता है कि एक स्टेशन से ट्रेन जा रही है और दूसरे स्टेशन से ट्रेन इस साइड पे आ रही है या उस साइड पे जा रही है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल ये दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे मीट करती हैं, एक पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, इसने अगर इतना अगर फासला तय किया हो तो उसने फिर कितना फासला तय किया होगा या उसकी स्पीड पर क्या होगी, इस किस्म के क्वेश्चन हमारे पेपर के अंदर आते हैं। अगर आप ये पीछे जो अभी रिसेंट अभी FIA के पेपर जो उसके अंदर भी आप देखें तो उसके अंदर भी एक क्वेश्चन आप लोगों का इसी तरह का ट्रेन डिस्टेंस टाइम डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आया हुआ था। तो इस किस्म के जो क्वेश्चन हैं उनको हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे वो आज इंशाल्लाह ताला हम लोग इसको स्टडी करेंगे। आप लोगों के पास जो स्टडी मटेरियल है उसका पेज नंबर है 37। 37 पेज नंबर के ऊपर आप लोगों के यही क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें जो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन ये आप लोगों का एक जनरल क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन से आप लोगों के फिर एक फार्मूला स्टार्ट होगा, फार्मूला भी आप लोगों से इंशाल्लाह डिस्कस होगा। फार्मूला कौन सा है? पहला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि इफ 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, अगर मैप पे अगर 1 सेंटीमीटर अगर देखा जाए तो वो इक्वल होता है एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर। अगर 1 सेंटीमीटर अगर एक मैप पे है ना, 1 सेंटीमीटर उसको सपोज किया जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू है 40 किलोमीटर के, ठीक है जी, ये एक वैल्यू सपोज की जा रही है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 किलोमीटर। देन वो कहता है कि अगर यही डिस्टेंस अगर देखा जाए मैप पे मुल्तान और कराची के दरमियान, द डिस्टेंस बिटवीन मुल्तान एंड कराची इज 37.5 सेंटीमीटर। मुल्तान और कराची के दरमियान अगर डिस्टेंस देखा जाए वो 37.5 सेंटीमीटर बनता है, तो वो मुझे बताएं कि एक्चुअल डिस्टेंस कितना बनेगा, किलोमीटर में कितना बनेगा। तो अगर डिस्टेंस अगर है 37.5 सेंटीमीटर तो वो किलोमीटर में कितना बनेगा? आपको ये पता है कि 1 सेंटीमीटर कितने के इक्वल है, जो हमने सपोज किया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 किलोमीटर है, ठीक है। अगर 1 सेंटीमीटर 40 किलोमीटर के इक्वल है तो 37.5 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे, इसको सिंपली आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 40 को 37.5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 37.5 मल्टीप्लाई 40। जैसे ऑलरेडी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, जब आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करते वक्त आप लोगों ने पॉइंट को भूल जाना है, 0 0 0 4 5 20 2 4 7 28 और 2 33 4 3 12 और 3 15, तो ये आप लोगों का ये राइट आंसर आ जाएगा 15,000। अब यहाँ पे अब आप लोगों का राइट आंसर 15,000 नहीं होगा क्योंकि आपने यहाँ पे अभी पॉइंट भी लगाना है। पॉइंट के राइट साइड पे आप देखिए एक डिजिट है, एक डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दें, यहाँ पे आप एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये आपका राइट आंसर आएगा 1500, ठीक है जी। तो इसका मतलब 37.5 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे, 1500 किलोमीटर होंगे। ये आप लोगों का एक जनरल क्वेश्चन था जिसको आप लोग कह सकते हो कि ये जिसके अंदर यूनिट्स भी आप लोग चेंज करते हो, ये जनरल क्वेश्चन था। आपको बेसिक फार्मूला वाला क्वेश्चन आपके नेक्स्ट टाइम के थर्ड क्वेश्चन। अभी आप लोग जरा देखें सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी ये ट्रेन वाले डिस्कशन हो रही है कि दो ट्रेन के बारे में बात की जा रही है। ए एंड बी आर टू ट्रेन, ए और बी दो ट्रेन है, स्टार्टिंग एट द सेम टाइम फ्रॉम टू स्टेशन 200 किलोमीटर अपार्ट। दो ट्रेन है ए और बी, इन दोनों के दरमियान कितना फासला है, 200 किलोमीटर, कह रहा 200 किलोमीटर अपार्ट वो एक दूसरे से 200 किलोमीटर के फासले पे हैं। दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर, वो एक दूसरे की तरफ आ रही है, ये उधर जा रही है ये इधर आ रही है,
ठीक है, लेकिन ट्रैक डिफरेंट है, ट्रैक सेम नहीं है, दूसरे की तरफ आ रही है एंड मीट अ पॉइंट 120 किलोमीटर फ्रॉम द स्टेशन वेयर ए स्टार्टेड, और वो एक दूसरे से 120 किलोमीटर के फासले में जाके मिलती हैं। कहां से? फ्रॉम द स्टेशन वेयर ए स्टार्टेड, जहां से ए स्टार्ट हुई थी। इस साइड से अगर मैं देखूं, इस साइड से 120 किलोमीटर के फासले पे जाकर एक दूसरे से मिल जाती है, यानी कि ये इधर क्रॉस हो जाती है और ये इधर क्रॉस हो जाती है। ये जो फासले, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहा जा रहा है, ये 120 किलोमीटर है कहां से, जहां से ए स्टार्ट हुई है, जहां से ए शुरू हुई थी वहां से 120 किलोमीटर फासले पे जाकर वो मिल जाती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये देखने वाला है कि अगर इसने 120 अगर इसने कवर किया है तो फिर इसने कितना कवर किया होगा, इसने 80 कवर किया होगा, क्योंकि 120 किलोमीटर का जो फासला बताया जा रहा है वो स्टेशन ए से बताया जा रहा है। अगर इसने अगर 120 किया तो इसने फिर 80 किलोमीटर कवर किया होगा। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए टू स्पीड बी, ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए टू डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, ए और बी का जो डिस्टेंस कवर्ड है वो उसकी रेशियो बताएं। इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 120, इसने कितना डिस्टेंस किया, 80। ए और बी के आप रेशो यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ये 0-0 कैंसिल, 12:8, दैट वुड बी 4-3 और 4-2, तो आपकी रेशो क्या आ जाएगी जी, इनकी 3:2 की रेशो इसकी आएगी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को इस चीज की समझ आई होगी। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इससे ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 9 तक आप लोगों के जो क्वेश्चन था वो सेम होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 9 तक। ये आप जरा देखें ये कैसे होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 से जो क्वेश्चन आप लोगों के स्टार्ट हो रहे होंगे, आप लोग एक बेसिक फार्मूला यूज करेंगे और बेसिक फार्मूला होगा, वैसे तो इसको लिखा जाता है ये S is equal to ना VT होता है, तो आप फिजिक्स में आपने इक्वेशन पढ़ी होगी S is equal to VT, ठीक है, जो आप लोगों ने एक और भी पढ़ा होगा velocity is equal to distance over time, ये भी पढ़ा होगा, ये दोनों सेम ही है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस को अगर मैं ये चेक करूँ, डिस्टेंस क्या बनेगा, ये T से मल्टीप्लाई के VT बन जाएगा, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू VT। तो यहाँ पे जो s है ना, s को भी डिस्टेंस ही पढ़ते हैं, s इज इक्वल टू डिस्टेंस, v क्या होता है वेलोसिटी, या इसको पढ़ते हैं स्पीड, वेलोसिटी या स्पीड दोनों इसको पढ़ते हैं, और t क्या होता है जी टाइम। ठीक है, यानी कि टोटल जो डिस्टेंस होता है इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, ये आप लोगों का फॉर्मूला एक बनेगा। ठीक है जी, अब क्वेश्चन ये कहता है थर्ड वाला, अ कार टेक्स 6 आवर्स टू गो फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी, सिटी ए से सिटी बी जाने के लिए उसको 6 आवर्स रिक्वायर्ड हैं, इफ सिटी ए इज 330 किलोमीटर अवे फ्रॉम सिटी बी, अगर सिटी ए सिटी बी से 330 किलोमीटर के फासले पे, 330 किलोमीटर के फासले पे है, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ द कार, तो उस कार की बताएं उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो चीजें हमारे पास गिवन है वो हम लोग लिख लेते हैं। टाइम गिवन है, कार टेक 6 आवर्स टू गो फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी, टाइम जो है वो जो 6 आवर्स है। ठीक है, ए टू बी डिस्टेंस कितना है, 330 किलोमीटर, एस इज इक्वल टू 330 किलोमीटर, और व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रैवलिंग ऑफ द कार, उस कार की स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आप लोगों के पास फॉर्मूला एस इज इक्वल टू वी टी, टोटल डिस्टेंस है 330 इज इक्वल टू वेलोसिटी, आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है, और टाइम कितना है 6 आवर्स। अब वेलोसिटी अगर आपने फाइंड आउट करनी है तो 6 उधर डिवाइड हो जाएगा, 330 डिवाइडेड बाय 6, वेलोसिटी इज इक्वल टू 330 डिवाइडेड बाय 6, 6 5 30, 3 बज गया फिर 30 बन गया, 6 5 30, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू आ गया 55 किलोमीटर पर आवर आपकी वेलोसिटी आएगी, यानी कि उसकी स्पीड आएगी, यानी कि अगर वो 6 घंटे अगर वो गाड़ी लगाती है 330 किलोमीटर का फासला तय करने में, तो वो 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कार जाएगी उस फासले को तय करने के लिए।
ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम इसी तरह ही है। अब इसमें आप देखें कि इस क्वेश्चन के अंदर ये कहा जा रहा है कि अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी कितनी है? 25 मीटर पर सेकंड, ये उसकी स्पीड आ गई। इन व्हाट टाइम टी आपने फाइंड आउट करना है, टी फाइंड आउट करना है। इन व्हाट टाइम विल इट पास अ मैन सिटिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, एक एक पर्सन वहां पे प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ, ये कहता है कि उस पर्सन को कितनी देर में वो ट्रेन पास करेगी। इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 225 मीटर, अगर लेंथ लेंथ ऑफ ट्रेन का मतलब टोटल डिस्टेंस कितना है, क्योंकि जब वो ट्रेन उसके सामने से जब गुजर के जाएगी तो वो टोटल फासला तय हो जाएगा, तो डिस्टेंस कितना है जी? 5 मीटर। ठीक है। अब इस किस्म की जो क्वेश्चन है उनमें आप लोगों ने एक और चीज का भी ख्याल रखना है कि इन क्वेश्चन के अंदर आप लोगों के जो बेसिक जो यूनिट है ना वो भी सेम होनी चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि इसकी वेलोसिटी किस में दी हुई है, मीटर पर सेकंड में दी हुई है, इसका मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो भी मीटर में ही आना चाहिए। इस चीज का आप लोगों ने जरा ख्याल रखना है कि अगर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है तो डिस्टेंस भी मीटर पर इसमें मीटर में होना चाहिए और टाइम सेकंड में होना चाहिए। अगर वेलोसिटी अगर किलोमीटर पर आवर में दी हुई है तो इसका मतलब आपका टाइम जो है वो भी आवर होने चाहिए और डिस्टेंस किस में होना चाहिए? किलोमीटर में होना चाहिए। इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है। अगर नहीं है तो पहले आप लोग उनके यूनिट्स को फिर सेम करेंगे, देन आप लोग फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखें s इज इक्वल टू vt, ठीक है जी। s 225 टोटल डिस्टेंस, वेलोसिटी 25 इनटू टाइम, टाइम आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो अब टाइम इधर रह जाएगा 25 उधर डिवाइड हो जाएगा, 225 डिवाइडेड बाय 25, टाइम इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 225 डिवाइडेड 25। अगर दोनों पे अगर मैं 5 पे टेबल लेके जाऊं, 5 5 दर 5 4 दर और 25 बच गया 5 5 दर 5 1 दर 5 9 दर, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा? 9 सेकंड। ठीक है जी, वो सेकंड्स की बात कर रहे तो इसलिए यहाँ पे 9 सेकंड्स की बात होगी। ठीक है जी। अच्छा जी, एक चौथा क्वेश्चन आप लोगों को मैं करवाता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 तक आप लोगों ने खुद करने हैं क्योंकि इसके सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो भी आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 ऑलरेडी पेपर्स के अंदर काफी दफा रिवाइज हो चुका है, ये आप लोगों के पास पेपर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है कि ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, If an object is moving at a speed of 36 km per hour, अगर एक object है वो 36 km per hour की speed से अगर move कर रहा है, how many meters does it travel in 1 second? अब यहाँ पे फिर वही बात आ गई जो पहले आप लोगों को मैं discuss कर रहा था कि अगर कोई भी object है, train है, कोई भी car है या कोई गाड़ी है, कोई भी है, वो अगर move कर रही है किलोमीटर पर आवर में, तो उसका जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में होना चाहिए और टाइम जो है वो आवर्स में होना चाहिए। अगर मीटर पर सेकंड में अगर उसकी वेलोसिटी है तो मीटर डिस्टेंस होना चाहिए और टाइम सेकंड होना चाहिए। अब यहाँ पे वो ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 36 किलोमीटर पर आवर पे, पर आवर की स्पीड से, तो वही मुझे बताएं उसकी जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में क्या है। अब यहाँ पे आपसे डिस्टेंस और टाइम नहीं पूछा जा रहा है, जस्ट सिंपली आप लोगों को कहा जा रहा है कि ये इसकी जो स्पीड है उस स्पीड को आप लोग चेंज करें मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो स्पीड आपको दी जा रही है 36 किलोमीटर पर आवर में, वेलोसिटी इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर, पर आवर मींस 1 आवर। ठीक है, अब इसको आप लोगों ने जो कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो सबसे पहले आप लोगों को कन्वर्जन, उस टाइम भी शायद मैंने आपको अलजेब्रा के फॉर्म में मैंने बताई थी अलजेब्रा के लेक्चर में कि 1 किलोमीटर जो होता है वो कितने के इक्वल होता है 1000 मीटर के, और 1 मीटर जो होता है उसमें 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। इसी तरह जो 1 आवर है उसमें 60 मिनट होंगे और 1 मिनट में 60 सेकंड होंगे। इसका मतलब अगर 1 आवर में अगर मैं सेकंड देखना चाहूं तो वो 60 × 60 दैट विल बी 3600 सेकंड होंगे। 1 आवर में 3600 सेकंड होंगे।
अब यहाँ पे अगर मैंने इसको कन्वर्ट करना है तो 36 को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएंगे मीटर्स, ठीक है। 36 को 1000 से मल्टीप्लाई किए मीटर्स डिवाइडेड 1 आ रहा है, तो 1 को जब मैंने 3600 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएंगे सेकंड, ठीक है जी। यानी कि ये जो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी वेलोसिटी इज इक्वल टू 36 इनटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600, दो जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, 36 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा, ओनली 10, यानी कि वेलोसिटी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। ये आप लोगों का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। 10 मीटर पर सेकंड आप लोगों का राइट आंसर आएगा। अब इसके अलावा भी आप लोगों को मैं एक शॉर्टकट एक और भी इसका मेथड बता देता हूँ कि अगर आप लोग किलोमीटर पर आर को डायरेक्ट अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके एक शॉर्टकट मेथड एक और भी है। आप लोगों के पास वैल्यू क्या आ रही है, 36 किलोमीटर पर आर। अगर आप लोग 36 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी इसकी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी, 18 1 18 2 2 5 10, यानी कि ये भी चेंज हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड डायरेक्ट, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। यानी कि आप लोगों ने यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई किया और 3600 से डिवाइड किया, उस प्रोसेस की बजाय अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट 5/18 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी आपका राइट आंसर यही आएगा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और अगर आप लोगों ने इसको मीटर पर सेकंड में अगर गिवन है, इसको आप लोगों ने किलोमीटर पर आर में अगर लेके जाना है तो फिर आप लोग इसको 18/5 से आप लोग डिवाइड कर देंगे, यानी कि उसी का उलट है। यहाँ पे आप लोगों ने 5/18 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे आपने 18/5 से आपने मल्टीप्लाई कर देना, ये किलोमीटर पर आर में चेंज हो जाएगा, ये 2 से, तो ये वही बन जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। अब इसकी लॉजिक क्या है, ये 5/18 कहां से आया है, देखें 36 को पहले मैंने मल्टीप्लाई किया था 1000 से और डिवाइड कैसे किया था 3600 से, ठीक है जी। अगर आप लोग सिर्फ इस पोर्शन को अगर सॉल्व करें ना तो ये पोर्शन जो है ये 5/18 ही बनेगा, ठीक है। यानी कि अगर इस पोर्शन का मैं सॉल्व करता हूँ, 0000 था कैंसिल, 10/36 क्या बनेगा, 2 5 2 18, ये वही 5/18 बनेगा। यानी कि अगर मैं 36 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं या 1000/3600 से मल्टीप्लाई कर दूं, बात एक ही है, इसका मतलब मेरा राइट आंसर तब भी यही आएगा 10। और अगर मैंने 10 मीटर पर सेकंड को अगर कन्वर्ट करना है तो उसमें किलोमीटर पर आवर में 10 को अगर मल्टीप्लाई कर दो 18/5 से तो तब भी मेरा किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा आंसर, ठीक है जी। तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक आप लोगों ने खुद करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है वो थोड़ा बहुत चेंज है, 10 और 11 दोनों एक जैसे हैं, और 10 और 11 जो क्वेश्चन है, ये वाले जो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है ये हमारे अभी जो कमिंग हमारे जो पेपर्स आ रहे हैं ना, FPSC PPSC के जो अभी ऑनवर्ड जो आने वाले हैं उन पेपर्स के अंदर इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को लाख में आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, इफ आई वॉक एट 3 किलोमीटर पर आवर, अगर मैं 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलूं, आई मिस द ट्रेन बाय 2 मिनट्स, तो मैं जो ट्रेन है उसको मैं 2 मिनट में मिस हो जाता हूँ, यानी कि ट्रेन जब आती है तो मैं वहां पे 2 मिनट लेट पहुंचता हूँ, ट्रेन मुझसे 2 मिनट पहले ही निकल जाती है। इसी तरह कहते हैं, हाउएवर अगर आई वॉक एट 4 किलोमीटर पर आवर, अगर मैं 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलूं, I reach the station 3 minutes earlier, तो मैं 3 मिनट पहले ही वहां पे स्टेशन पे पहुंच जाता हूँ। What is the distance of the station? तो उस स्टेशन से मेरा जो डिस्टेंस है, या मैं ये कह सकते हैं कि मैं स्टेशन से कितनी ज्यादा दूर में रहता हूँ। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा टेक्निकल है। इसके अंदर अब आप लोग ये देखेंगे कि इसके अंदर 2 सिनेरियोस बन रहे हैं, ठीक है। 2 सिनेरियोस कौन कौन से बन रहे हैं, पहले जिस स्पीड से जाता है उस स्पीड में वो कहता है कि भाई मैं 2 मिनट में लेट हो जाता हूँ, उसके बाद फिर जिस स्पीड से वो जाता है उसमें ये वो फिर ये कहता है कि मैं जल्दी पहुंच जाता हूँ, ठीक है। तो अब ये कहा जा रहा है कि मुझे बताएं कि मेरे और जो स्टेशन के दरमियान डिस्टेंस है वो क्या है, वो अब आप लोगों ने बताना है।
अब ये देखें, अब यहाँ पे अब मैं दो ही क्वेश्चन का बनाऊंगा। पहले क्वेश्चन ये बनेगी कि पहले किस स्पीड से चल रहे हैं 3 किलोमीटर पर आवर से, यानी कि अगर मैं देखूं एस इज इक्वल टू वी टी, ठीक है, तो यहाँ पे एस टोटल डिस्टेंस, वो तो हमने उसको बताना है, तो टोटल डिस्टेंस इतना आएगा एस इज इक्वल टू, यहाँ पे वेलोसिटी अब कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो इसको मैं इस पर लिखूंगा 3 किलोमीटर पर आवर, आवर को मैंने कन्वर्ट कर दिया 60 मिनट्स में। इसको मैंने कन्वर्ट मैंने क्यों किया मिनट्स में, क्योंकि आगे मिनट्स की बात कर रहा है कि वो 2 मिनट लेट हुआ है, इसलिए मैंने आवर को मैंने 60 में मल्टीप्लाई करके इसको मैंने मिनट में कन्वर्ट किया। जैसे ऑलरेडी आपको मैंने बताया भी था कि जब यूनिट्स जब एक जैसी होंगी तो देन आपका क्वेश्चन सही, आपका राइट आंसर आएगा। यहाँ पे अगर आवर्स है तो यहाँ पे अगर मिनट्स है तो फिर वो आंसर सही रहेगा, इसलिए मैंने इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया 3 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना है, टाइम जी वो कहते हैं कि 2 मिनट लेट हो जाता है, यानी कि 2 मिनट वो ऊपर लगा देता है t+2, ये वो टाइम लेता है। टाइम कितना है जी, t+2, 2 मिनट वो लेट हो गया। अब आप खुद अब देखें कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि जी मैंने स्टेशन जी पहुंचना था जी 20 मिनट में, तो मैं कितने मिनट में पहुंचूं, मैंने 2 मिनट अगर मैं लेट पहुंचूं तो मैंने लगा दिया 22 मिनट, यानी कि 2 मिनट वो ऊपर चला गया, मैं 2 मिनट में लेट हो गया, ठीक है, इसलिए यहाँ पे टी में 2+ होगा, राइट। अब यहाँ पे अगर देखा जाए 3120, तो एस इज इक्वल टू ये t+2 1 से मल्टीप्लाई के t+2 ही आ जाएगा डिवाइडेड बाई 20, तो ये 20s से मल्टीप्लाई जाएगा 20s इज इक्वल टू t+2, तो यहाँ पे t अगर मैं इस साइड पे 2 में माइनस कर दूं 20s-2 इज इक्वल टू t, यहाँ से t की वैल्यू जी के आगे 20s-2, ये आप लोगों की एक इक्वेशन बन गई, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है जी। अब इसमें आपके दो ही क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि एक जगह एक सिनेरियो से बात कर रहा है, एक जगह दूसरे सिनेरियो से बात कर रहा है। अब दूसरी जगह कहता है कि अगर वही अगर मैं 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चलू एस इज इक्वल टू बी टी, एस इज इक्वल टू अगर यहाँ पे अब 4 किलोमीटर पर आवर है 4/60 × अब ये कहता है कि अगर 4 किलोमीटर की स्पीड से चलू तो मैं 3 मिनट जल्दी पहुंच जाता हूँ, यानी कि 3 - t, t - 3, उस टी टाइम में मैंने पहुंचना था लेकिन मैं 3 मिनट जल्दी पहुंच गया, तो इसलिए उसमें से टी में से 3 माइनस हो गया, ये 15, ये एस इज इक्वल टू ये आ जाएगा t - 3/15। अब ये 15 इससे एस से मल्टीप्लाई होगा तो 15s इज इक्वल टू t - 3, 15s इज इक्वल टू t - 3, तो ये जो 3 जो यहाँ पे माइनस हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, t इज इक्वल टू 15s+3, तो t इज इक्वल टू आ गया 15s+3, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हो गई 2, वो वाली इक्वेशन नंबर 1 थी मेरी और ये वाली इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है जी, जैसे हम लोग छोटी क्लास में करते थे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 को आप लोगों ने जी कंपेयर करना है। कंपेयर करने में क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड टी और टी तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ जाएंगे, 20s-2 इज इक्वल टू 15s+3, ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड आपस में एक कैंसिल हो गई और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ गई। अब यहाँ पे क्या होगा, 15s को इधर ले आए, 20s-15s इक्वल्स टू यहाँ पे जो 2 माइनस का था इसको इधर ले आए 3+2, इधर आके जो प्लस का हो गया, ठीक है जी, ये आ जाएगा 20s-15s 5s इज इक्वल टू 3+2 5, एस इज इक्वल टू 5/5, एस इज इक्वल टू 1, तो डिस्टेंस कितना आ गया जी 1, मेरे और स्टेशन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है जी 1 किलोमीटर का फासला है, ठीक है जी। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने इसी तरह सॉल्व करना है कि पहले जो सिनेरियो जो बता रहा है उस सिनेरियो को आप लोगों ने ये सारी वैल्यूज आप लोगों ने पुट करनी, इसको आप लोगों ने मिनट्स के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है, और इसके साथ आप लोगों ने ये वाली एक इक्वेशन बना लेनी है, राइट। उसके बाद जो दूसरा जो सिनेरियो बता रहा है उससे आप लोगों ने एक दूसरी इक्वेशन ये वाली बना लेनी है,
ये दूसरी क्वेश्चन जब आप लोग बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को जब आप लोग कंपैरिजन करेंगे, उससे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल काट जाएंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल आप लोग रखेंगे, वहां से आप लोग इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे कि ये डिस्टेंस टोटल कितना आ रहा था, 1 किलोमीटर। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वो आप लोग खुद ही इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर है ना, ये 16, अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 देख लें, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या इश्यू है, ये भी अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 11 आप लोग खुद करेंगे, ठीक है, अगर उसमें कोई इश्यू है तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एन ऑटोमोबाइल पासेस 50x एट 9:55। एक ऑटोमोबाइल है, आप उसको ये कहेंगे कि 9:55 AM पे ना वो सिटी एक्स से पास करती है एंड 10:15 पे वो सिटी वाई को पास करती है, यानी कि एक्स एक्स और वाई इसको जब पास करती है तो तब टाइम था 9:55, इसको जब उसने जब पास किया तो तब टाइम बना 10:15। अब हमने ये देखना है कि इसके और इसके दरमियान टाइम कितना इसको लगा है, 9:55 से 10:15 तक कितना टाइम लगता है जी, 20 मिनट जी इसको लगेंगे, 20 मिनट, ठीक है जी, 20 मिनट इसको जी लगे हैं सिटी एक्स से सिटी वाई तक जाने के लिए। अब वो कहता है कि सिटी एक्स से 30 माइल फ्रॉम सिटी वाई, एक्स और वाई के दरमियान कितना फासला है, 30 माइल्स, ये 30 माइल इसने कितनी देर में कवर किया है, 20 मिनट्स में। क्वेश्चन ये किया जा रहा है, व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ ऑटोमोबाइल इन माइल्स पर आवर, मुझे बताएं इसकी जो स्पीड जो बनेगी वो माइल पर आवर में क्या स्पीड बनेगी, या आप ये कह सकते हैं कि ये जो माइल्स पर आवर है वो कितनी देर में वो कवर होगा, ये एवरेज स्पीड उससे पूछा जा रहा है। देखें अब ये जो 30 माइल्स थे, अगर मैं इसको एक शॉर्टकट अगर फॉर्मूले में अगर देखूं, 30 माइल्स कितनी देर में फुल हो रहा है, 20 मिनट्स में, अगर 20 मिनट्स में 30 माइल हैं तो 60 मिनट्स में कितना होगा, क्योंकि वो 1 आवर का पूछ रहा है कि व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ ऑटोमोबाइल इन माइल्स पर आवर, 1 घंटे में कितने माइल होंगे, अगर 20 मिनट्स में 30 माइल होते हैं तो 60 मिनट्स में कितने होंगे, लाजमी बात है 20 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, 30 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएंगे 90 माइल, ठीक है जी, ये आप लोगों का जो राइट आंसर आ जाएगा। या अगर आप लोग अपने फार्मूले तक अगर आप लोग देखना चाहते हैं, एस इज इक्वल टू वीटी होता है ना, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू एस ओवर टी, वेलोसिटी आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। तो अब आप लोग जी यहाँ पे ये देख लें कि एस टोटल डिस्टेंस कितना है, 30 माइल्स, ठीक है, और टाइम आपके पास ये कितना आ रहा है, 20 मिनट्स, लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है माइल्स पर आवर, पर आर के लिए पहले आप लोग 20 मिनट्स को आप लोग चेंज करेंगे आर के अंदर, टी इज इक्वल टू 20 मिनट्स है ना, तो इसको अगर आप लोग 60 पे आप डिवाइड करेंगे तब जाके वो आर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 1/3, टी इज इक्वल टू 1/3 आर, पहले मिनट्स में थे 20 मिनट्स अब आर में चेंज हो गए, तो ये अगर आप टी की जगह अगर आप लोग लगाएंगे एस, यानी कि कितना था एस 30 माइल डिवाइडेड बाई टाइम कितना 1/3, इसको जब आप लोग नेक्स्ट स्टेप में लेके जाएंगे 30 ये डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई होके 1/3 में लिख दूंगा 3/1, तो ये वेलोसिटी इज इक्वल टू आ जाएगा 90 माइल पर आवर, इससे भी आपका राइट आंसर यही आएगा। अगर आप लोग इसको शॉर्टकट फार्मूले से देखते हैं तो तब भी आप लोग का आंसर यही आएगा 90 माइल पर आवर, ठीक है जी। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का थोड़ा सा ना ये डिफरेंट क्वेश्चन है, उसके अंदर थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन ज्यादा है, क्वेश्चन नंबर 13 में ये कहा जा रहा है कि
मिस्टर खान वेंट फॉर अ ट्रिप इन हिज कार। मिस्टर खान अपनी गाड़ी में ट्रिप पे गया, विच ट्रेवल 14.5 किलोमीटर ऑन 1 लीटर पेट्रोल। इसके अंदर जो पर आर इसमें नहीं है, ये गलती से टाइप है, विच ट्रेवल 14.5 किलोमीटर ऑन 1 लीटर पेट्रोल। ठीक है, द रीडिंग ऑफ अ स्पीडोमीटर वॉज 19,034 किलोमीटर वेन ही स्टार्टेड हिज जर्नी एंड रीड 19,396.5 किलोमीटर आफ्टर ही हैड कंप्लीटेड हिज जर्नी। हाउ मेनी लीटर ऑफ पेट्रोल आर कंज्यूम। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसमें मुश्किल बात नहीं है। जब उसने अपना सफर जब शुरू किया उस वक्त उसने मीटर चेक किया, उस वक्त मीटर था 19,034 किलोमीटर। जब उसने अपना सफर खत्म किया तो उस वक्त उसका मीटर था 19,396.5 किलोमीटर। इसका मतलब उसने टोटल फासला कितना तय किया वो हम लोग चेक कर लेते हैं। 19,396.5 जब उसने खत्म किया और 19,034 जब उसने स्टार्ट किया था। ठीक है जी, 5.29-36 और ये कितना आ गया 3। ये 9-9 0 1-1 0 तो ये आ जाएगा 362.5। ये उसने जी कवर किया है फासला, टोटल डिस्टेंस 362.5। ठीक है जी, अब ये कहते हैं कि अगर वो 1 लीटर में अगर 14.5 किलोमीटर अगर कवर करता है, 14.5 किलोमीटर इन 1 लीटर, यानी कि जितना हम लोग गाड़ी की एवरेज नहीं फाइंड आउट करते कि यार मेरी गाड़ी की एवरेज क्या, मेरा बाइक 1 लीटर में कितने किलोमीटर कर लेता है, ये एक जो कार है वो 1 लीटर में कितने किलोमीटर कवर कर लेती है। ये भी उसी तरह कह रहा है कि अगर 1 लीटर में अगर 14.5 किलोमीटर अगर चलती है तो बताएं 362.5 किलोमीटर में उसने कितने लीटर उसने पेट्रोल कंज्यूम कर लिया होगा। तो सिंपली आप लोग 362.5 को 14.5 पे जब आप लोग डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितने लीटर पेट्रोल कंज्यूम हुआ है। इसका पॉइंट और इसका पॉइंट देखें, एक ही पॉइंट पे, इसके राइट पे एक पॉइंट है, इसके राइट पे भी एक डिजिट है, इसके राइट पे भी एक डिजिट है, तो इसको डायरेक्ट मैं ऐसे कैंसिल कर सकता हूँ, दोनों का सेम पॉइंट है ना। तो ये अब मेरे पास ये वैल्यू आ गई 362.5/1 4 5। 5 का टेबल अगर मैं चेक करूँ, 5 का टेबल जी 5 2 5 7 5 7 35 12 5 2 10 2 5 5 5। अब 27 और 7 25 आप इसको डिवाइड करें, 7 25 डिवाइडेड 25, इसको अब आप लोग 27 है। अब इसको आप लोग भी चेक करेंगे किस तरह से डिवाइड होगा। 27 अगर मैं चेक करूं 2 टाइम होता है, 27 2 टाइम होता है 54, तो पीछे कितना बच गया 54 और 18 18 बच गया यहाँ पे, यानी कि 185 बच गया और नीचे 27 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं कितना बचता है, ये तकरीबन बनेगा कोई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा कोई इसमें मिस्टेक तो नहीं है, 365 5 7 35 1 12 5 2 10 2 5 25 बिल्कुल ठीक है। 5 2 10 यहाँ पे हमारी मिस्टेक है, यहाँ पे 9 आता है, 5 9 45 यहाँ पे 5 9 45 आता है, इसका मतलब यहाँ पे 29 आ गया। अब 29 2 58 18 बच गया 185 अगर मैं ये चेक करूं यहाँ पे कितना आता है जी 29 2 10 58 और कितना बचता है 58 और 14, इसका मतलब यहाँ पे बचेगा 145। आप 29 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना बचता है 145 ही बनता है, 5 9 45 4 5 2 10 और 4 145, यानी कि 5 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इसका मतलब इसका राइट आंसर जी कितना आएगा 25। टोटल 25 लीटर्स कंज्यूम होंगे ये फासला तय करने में, 362.5 किलोमीटर तय करने में
25 लीटर कंज्यूम होंगे, आपकी ये ऑप्शन ही ओके है। ठीक है जी, थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन रहती है, कैलकुलेशन में आप लोगों ने थोड़ा सा ख्याल रखना, कैलकुलेशन में मिस्टेक, जैसे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी कैलकुलेशन में, जस्ट आप लोगों ने थोड़ा सा ख्याल रखना। और कभी कभार ना ऑप्शन देख के भी अंदाजा हो जाता है कि अगर आप लोग 14.5 को अगर टोटल 25 जो लीटर उसने वैल्यू दी हुई है ना, अगर आप 14.5 को 25 से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 62.5 ही आना चाहिए, वहां से भी आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14 है, थोड़ा सा ये भी डिफरेंट किस्म का क्वेश्चन है। 14 में कह रहे हैं बस ट्रेवल फ्रॉम टाउन ए टू बी एट 54 किलोमीटर पर आवर, अ कार ट्रेवल फ्रॉम टाउन बी टू टाउन ए एट 80 किलोमीटर पर आवर, इफ बोथ व्हीकल स्टार्ट देयर जर्नी एट द सेम टाइम एंड मीट ईच अदर एट द वे आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 1 आवर एंड 30 मिनट्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड टाउन बी। आपने टोटल डिस्टेंस बताना है कि टाउन ए और टाउन बी के दरमियान टोटल डिस्टेंस कितना है, जो ये है ना बस, बस ए टू बी जा रही है, बस जो है वो जा रही है ए टू बी, जबकि जो कार है ना, कार ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी, जो कार है वो ए टू भी आ रही है।